सोनाक्षी सिन्हा काफी समय से अपने रूमर बॉयफ्रेंड और एक्टर जहीर इकबाल के साथ शादी की खबरों के बीच लेकर सुर्खियों में छा गए। इसी बीच दोनों की शादी का इनविटेशन ऑनलाइन लीक हो गया है, जिसके कुछ घंटे बाद ही दिग्गज एक्टर और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से सोनाक्षी की शादी को लेकर अपना रिएक्शन साझा किया है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के दिन को लेकर खुलकर बात की है। अभिनेता राजनेता ने साफ किया कि वो ना तो सोनाक्षी की शादी की खबरें की पुष्टि कर रहे हैं और ना ही खंडन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये खबरें सच हैं तो वो एक खुश पिता होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो किसी से भी शादी करे, परिवार उसके फैसले का समर्थन करेगा। शत्रुघ्न ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा था, मैं ना तो उनकी शादी की खबरों की पुष्टि कर रहा हूँ और ना ही खंडन, समय ही बताएगा, उन्हें हमेशा मेरा आशीर्वाद मिलेगा। शत्रुघ्न ने बात करते हुए ये भी कह दिया कि सोनाक्षी मेरी आंखों का तारा है, वो मेरी एक लौती बेटी है और मेरे बहुत करीब है। मैं एक प्राउड फादर हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों में वो एक्ट्रेस के तौर पर भी उभरी है। बताते चले कि लुटेरे से लेकर दहाड़ और अब हीरा मंडी तक उन्होंने एक शानदार एक्ट्रेस होने का प्रमाण दिया है। शत्रुघ्न ने कहा, अगर मेरी बेटी शादी कर रही है तो मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगा और उसके फैसले और पूरी पसंद का पूरा समर्थन करूंगा। सोनाक्षी को अपने साथ ही चुनने का अधिकार है और मैं उसकी शादी के दिन सबसे खुश पिता बनूंगा और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये कन्यादान करूंगा। वैसे आपको इन दोनों की शादी का कितना है इंतजार, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ।